हेलो, आई हेल्प यू एट इंग्लिश विद एस। माय डियर, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इंग्लिश जीआईसी लेक्चर के सिलेबस का पार्ट 1, और आज हम देखेंगे पार्ट 2। आइए शुरू करते हैं सिलेबस जीआईसी लेक्चर। लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट्स, फॉर्म्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आपको लिटरेचर सेगमेंट में ऑथर्स एंड वर्क्स के बाद देखना है लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट्स, फॉर्म्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसके अंतर्गत आप देखेंगे रिनेसा। सबसे पहले आपको रिनेसा यानी पुनर्जागरण के विषय में डिटेल्ड स्टडी करनी है। नेक्स्ट, इसके बाद रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन के विषय में आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यह आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। देन आप देखेंगे मेटाफिजिकल पोएट्री। व्हाट इज मेटाफिजिकल पोएट्री? ये आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। कौन से ऐसे पोइट्स हैं जो मेटाफिजिकल पोइट्स कहलाते हैं, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, और यकीन मानिए इस क्लास में ही आप उसको तैयार कर लेंगे, ऐसा हमारा एफर्ट होगा। देन हम देखेंगे क्लासिज्म। व्हाट इज क्लासिज्म? क्लासिज्म क्या है? कौन से ऐसे ऑथर्स थे? क्या इसके प्रिंसिपल्स थे? इन बातों की हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, जो आपका प्रेस्क्रिप्शन है, दैट इज रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म मींस द एज ऑफ रोमांटिसिज्म, और द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, और रोमांटिक एज। हम लोग रोमांटिक एज को डिटेल में पढ़ेंगे, और जो भी ऑथर्स हैं रोमांटिक, उनको भी हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट, आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब है द प्री रेफलाइट्स। वो कौन से ऑथर्स हैं जो प्री रेफलाइट्स ऑथर्स कहलाते हैं? क्यों? क्या इनका इटली से कनेक्शन क्या है? उन बातों पर भी हम लोग डिटेल में। नेक्स्ट प्रेस्क्रिप्शन है मॉडर्न लिटरेचर। मॉडर्न लिटरेचर भी आपको देखना है इन ब्रीफ। नेक्स्ट, मेजर स्टेंजा फॉर्म पढ़ेंगे आप सोनेट। व्हाट इज सोनेट? यू ऑल नो, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। हम लोग देखेंगे काइंड ऑफ सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट क्या डिफरेंट है? 3 क्वार्टर एंड 1 कपलेट क्या होता है? हम लोग विद एग्जाम्पल इसको डिटेल में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में सीखेंगे इसको। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस केवल क्लास रेगुलर देखना है, वीडियो रेगुलर देखना है। इसके बाद बैलेट, देन मॉक इपिक, देन एलजी। इतना हम लोगों को स्टेंजा फॉर्म में देखना है। देन आते हैं कुछ क्रिटिक्स के बारे में जानना है, एरिस्टोटल, ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, देन एसटी कॉलेज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नोल्ड, टीएस इलियट। इतना है आपका लिटरेचर सेगमेंट। देन वी कम ऑन पार्ट बी, सेक्शन बी, लैंग्वेज। अ शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। माय डियर, कोई भी एग्जाम हो, अगर वो इंग्लिश उसमें है तो कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज का आना तय है। नेक्स्ट, एक पैसेज होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, करेक्शन ऑफ अ सेंटेंस। ये क्या है? आप कह सकते हो स्पॉटिंग एरर, और इसमें दूसरी चीज क्या हो सकती है, और वो है स्पॉटिंग एरर के अलावा दूसरी चीज, इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आपको देखना है। नरेशन पढ़ेंगे आप, हमेशा देखते रहे उसको, हम लोग जरूर देखेंगे। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? किसी भी सेंटेंस को हम चेंज कर दें, अल्टर द सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग द सेंस, बिना भाव परिवर्तन के वाक्य को परिवर्तित कर दें, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद आपको डिटेल्ड स्टडी करनी है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या रोल है वर्ब टू बी का पैसिव बनाने में? कौन? जनरली आप सभी जानते हो कि कैसे पैसिव बनाते हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स का भी पैसिव कैसे बनाया जाता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट, हम लोग वैकअप सेक्शन में आते हैं, सिनोनिम्स यानी कि द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। एंटोनिम मींस अपोजिट वर्ड। देन होमोफोन्स, समान ध्वनि उच्चारित शब्द, ऐसे शब्द जो बोलने में एक जैसे, साइट, CIT, साइट, SIT, बट दोनों का मीनिंग डिफरेंट।
डिफरेंट, इन्हीं को कहते हैं होमोफोन्स। फोन मींस ध्वनि, होमो मतलब एक जैसा, एक जैसी ध्वनि। देन है प्रेस्क्राइब आपके सिलेबस में, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल्ड सेंटेंसेस, इसी को लोग शॉर्ट में कह देते हैं PQRS। कुछ सेंटेंसेस होंगे उनको सही क्रम में लगाना होगा। देन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन या TGT PGT में भी स्पेशली प्रेस्क्राइब्ड है लैंग्वेज में, इसको देखेंगे हम लोग। प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से आपको देखना है, फिक्स्ड भी। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वैकअप सेक्शन में आप देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपको जरूर लर्न करना होगा, इसकी आपको सीट दी जाएगी और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। नेक्स्ट है फिगर्स ऑफ स्पीच, आपके TGT और PGT में प्रेस्क्राइब, वैसे प्रेस्क्राइब तो UP PGT में है लेकिन क्वेश्चन TGT में भी आता है। और फाइनल है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, बस इतना सा है आपका सिलेबस। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, टुडे वी आर कमेमोरेटिंग स्वामी विवेकानंद, सो आई वुड लाइक टू अटर अ वेरी पॉपुलर लाइन ऑफ स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, जो आप में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी को मैं उजागर करने का एक प्रयास करूँगा। बस आप लोग अपना ख्याल रखें, अगर आप रेगुलर क्लास चाहते हो GIC TGT और PGT के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहाँ इंग्लिश आती है, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ऑन रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेक केयर, थैंक यू।